सर एक छोटा सवाल है, कल जो आपने कहा था अभी हम विशेष रूप से आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। एक ही सवाल है सर, एक ही सवाल है, आप लोग अलग से बुलाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार जो है बैठकें हो रही हैं। देखिए आज फिर से पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। कल की बात करें तो कल भी तेजस्वी यादव ने राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की थी, कोर कमेटी की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल को जो रिपोर्ट कार्ड जारी करने हैं उसको लेकर भी अहम चर्चा हुई है। और आज फिर एक बार तेजस्वी पहुंचे हैं पार्टी दफ्तर। अभी से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और आज भी बैठकें जो हैं वो चलेंगी। हालांकि तेजस्वी यादव जैसे ही पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, हमने बात करने की कोशिश की, तेजस्वी ने कहा कि आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर जो है मीडिया से तेजस्वी बात करेंगे। हालाँकि देखिए पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, लगातार जो तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, आपको पता है कल ही तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा था कि अगर जातिगत जनगणना को लेकर के कुछ नहीं हुआ तो अब एक ही उपाय बच रहा है, पैदल मार्च करेंगे पटना से लेकर दिल्ली तक, बड़ा बयान उन्होंने दिया था। और आज फिर से तेजस्वी जब पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी राजद के वरिष्ठ नेता हैं, श्याम रजक, जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष कह सकते हैं आपकी, उदय नारायण चौधरी समेत शक्ति यादव, राजद के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी की बैठक अब से थोड़ी देर बाद जो है पार्टी दफ्तर में शुरू होगी और तेजस्वी रणनीति बनाएंगे, इस तरह से सरकार को जो है जिस तरह से एक तमाम मुद्दे आपने देखा बिहार को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार ये बात कह रहे हैं और जातिगत जनगणना का मुद्दा काफ़ी अहम है। 5 जून को जो श्वेत पत्र है वो भी जारी होना है राष्ट्रीय जनता दल का, तो अहम बैठक जो है वो आरजेडी के पार्टी दफ्तर में इस वक्त चल रही है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव जब पार्टी दफ्तर पहुंचे तो हमने जब तेजस्वी से बात करने की कोशिश की तो तेजस्वी ने क्या कहा, पहले सुन लें आप। सर एक छोटा सवाल है, जो आपने कहा था अभी हम विशेष रूप से आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। एक ही सवाल है सर, एक ही सवाल है, आप लोग अलग से बुलाएंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोगों को बुलाया जाएगा, तेजस्वी मीडिया से बात करेंगे, रणनीतियां और संगठन के मजबूती को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक जो है वो कर रहे हैं। एक बार फिर से जाते जाते सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, सुने। सर एक छोटा सवाल है, जो आपने कहा था अभी हम विशेष रूप से आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। एक ही सवाल है, आप लोग अलग से बुलाएंगे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए, वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट में। पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।